हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके सहयोगी बन रहे हैं लेकिन उनमें से अब विशेष आत्मा को सहयोग में आगे बढ़ाओ निमित्त बनाओ निमित्त बनाने का बीज डालो समझा क्या करना है। विदेश में भी अभी आईपीएफ के कनेक्शन तो सहज हो गए है ना, मुश्किल तो नहीं है ना, है मुश्किल है, मुश्किल है सहज सहज तो बाप दादा देखेंगे कि इस दूसरे न्यू ईयर में फिर आप सभी आएंगे ना तो अगले न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता चाहते। एक साल है कम नहीं करेंगे ये करेंगे देश वाले भी करेंगे विदेश वाले भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे अवश्य करेंगे। कौआ पर है सिर्फ निमित्त बनना है क्या डबल विद जी बोलो करेंगे आधी ताज बच बहुत अच्छा सब डबल विद जी हाथ की ताली बजाओ। अच्छा देखेंगे पहले कौन त्याग करता है देश या विदेश और कितना बड़ा गुलदस्ता त्याग करते हैं ठीक है ना। चारों ओर सुन रहे हैं देश वाले भी सुन रहे हैं विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है प्लान बन रहा है उनके मन में ये करेंगे ये करेंगे। अच्छा और ये तो हुआ विश्व सेवा। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे आपकी ओर ही खींचे रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति ओम शांति। स्टे इन अवियत साइलेंस।
अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का शीर्षक है संपूर्णता के समीप। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब ये छोड़ और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। It will then be understood that you are close to perfection. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. आप सबका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है दिन दसवां, संपूर्णता के समीप। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब हम सुनेंगे मोहिनी दीदी को। ओम शांति। ओम शांति। इज एवरीवन ओके? सभी ठीक हैं? एंजल्स हैव टू बी ओके राइट? फरिश्तों को तो ठीक ही रहना है। एंजल्स हैव टू कीप वनसेल्फ ओके। फरिश्तों को स्वयं को ओके रखना ही है। हम ओके होंगे और हम अभ्यास कर रहे हैं कि हमेशा हम ओके रहें, ठीक रहें। बाबा सेज हाउ डू वी नो? बाबा कहते हैं कि कैसे पता चले कि हम संपूर्णता के समीप पहुंच रहे हैं। इस साल के शुरुआत से बाबा ने हमें बहुत बड़ा ऑफर दिया है और वो है कि अपना बोझ मुझे दे दो। कैसा भी जो भी परेशानी है, इच्छाएं हैं, चिंता है, संकल्प होगा या नहीं होगा, या कोई भी डाउट है, संशय है, हम बड़े रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी कुछ कुछ ये चीजें हम सामना करते हैं। वो संकल्पों से मिले जुले रहते हैं बहुत ही सूक्ष्म रूप से। मैं मधुबन जाना चाहती हूँ, ये अगर संकल्प आया, बाबा मुझे मधुबन लेकर जाएगा। ऐसा पवित्र संकल्प रखें, बोझ बनाकर नहीं। ऐसे नहीं कि ये इच्छा मेरी पूर्ण होगी या नहीं, लेकिन बहुत प्यार से कि बाबा मुझे लेकर जाएगा। बाबा विल प्रोवाइड व्हाट इज नीडेड। जो भी जरूरत है बाबा दे देगा। तो कोई भी सूक्ष्म में भी अगर चिंता है या कोई परेशानी के चीजें क्यों नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, ड्रामा है। सब कुछ कल्याणकारी है। ऐसे संकल्प अपने को दे देना तो सारा बोझ निकाल दो। और बोझ तो एक दिन में नहीं निकलता। सारा समय अपना संकल्पों को चेक करो और अगर बोझ लगता है तो बाबा को दे दो। इस प्रकार बाबा आपका साथी बनकर आपकी मदद करेगा। दादी प्रकाशमणि कहती थी, अगर संकल्प श्रेष्ठ है और पवित्र है और इच्छा मुक्त है कि उसका क्या होगा, बाबा पूर्ण जरूर करेगा।
और ये इतनी दिलचस्प बात है कि मुझे जो चाहिए और मुझे क्या मिलता है, मुझे जो चाहिए वो शायद नहीं हो, लेकिन ड्रामा तो आपको उससे भी बेहतर देगा। हमेशा ये याद रखना, बाबा और ड्रामा आपको आपके संकल्प से भी बेहतर चीज देगा। हर कदम आपका एक आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि हम बाबा पर छोड़ देते हैं तो बाबा को एक्टिव होना ही पड़ेगा। तो जब बोझ नहीं होगा तो बहुत आसान है कि चमकती हुई ज्योति हो, क्योंकि बोझ जैसे के बादलों जैसा है, बहुत ही जो चमकता हुआ सूरज होगा वो जैसे के कुछ पल के लिए उसको बादल ढक लेते हैं, अचानक ही अंधेरा छा जाता है बादलों की वजह से, लेकिन सूरज तो चमक रहा है उसके पीछे। तो जैसे आप जब फ्लाइट में होते हैं तो आपको दिखता है कैसे बादल हट जाते हैं और सूरज निकल आता है फिर से। इसी प्रकार अगर कोई परिस्थितियां हैं या अल्पकाल के लिए भी कुछ ऐसा हुआ है तो हमेशा याद रखना कि सूरज जरूर चमकेगा और ये परिस्थितियां बादलों जैसी हैं, वो बादल छट जाएंगे बहुत जल्द ही और आप बहुत ही एक चमकता हुआ सूरज फिर से देखेंगे जो सारे विश्व को रोशनी देता है। आप भी ज्योति हो और अभी आप डबल ज्योति हो, डबल लाइट, आप लाइट हो, डबल लाइट हो। अभी अपने को आत्मिक स्थिति में देखें और लाइट के स्वरूप को भी देखें। संकल्प रखें, मैं फरिश्ता हूँ, मेरा शरीर भी फरिश्तों का है, मैं फरिश्ता हूँ। Because as much you are disconnecting yourself, जितना आप स्वयं को डिस्कनेक्ट करेंगे शरीर से, न्यारा करेंगे शरीर को अपने आत्मा से और तत्वों से, संबंधों से, आपका संबंध बदल रहा है। You're not connected in body consciousness. आप देह अभिमान से अगर नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति में अगर रहेंगे तो सब मेरे परिवार का हिस्सा है, सभी फरिश्तों के परिवार हैं। तो कैसे पता चले कि मैं संपूर्णता के समीप आ रही हूँ और बाबा के भी समीप आ रही हूँ? तो बाबा कह रहे हैं संपूर्णता के समीप ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा बनना है और भविष्य रूप भी दिखाई दे। फरिश्तों के जो फीचर्स रहते हैं वो दिव्य फीचर्स ही हैं। फरिश्ते तो इंसान जैसे नहीं दिखते, वो बहुत खूबसूरत होते हैं, लाइट होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आपका भविष्य रूप भी दिखाई दे, जैसे हम कहा करते थे कि श्री कृष्ण, उनकी खूबसूरती, मुस्कुराहट बहुत ब्रह्मा बाबा में देखी हमने, भविष्य इतना दिखाई देता था।
स्पष्ट, चाहे वो मुस्कुराहट हो, चलना, सब कुछ, सब कुछ बहुत रॉयल था, दिव्य था। अब यह छोड़ा और वह लिया, फरिश्ता और देवताई। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। कैसे पता चले कि मैं संपूर्णता के समीप हूँ? जब आपको अपना फरिश्ता और दिव्य स्वरूप दिखाई दे, जैसे आप आईना देखते हैं तो ज्यादातर के फीचर्स दिखाई देते हैं, और जब आप सचमुच में उस स्थिति में रहते होंगे, मुझे पता है जब सवेरे में मैं देखती हूँ आईने में तो मैं खुद को ही मुस्कुराहट देती हूँ, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, सुंदर दिख रहे हो, क्योंकि फरिश्ता और दिव्य स्वरूप दिखता है। तो अपने उस स्वरूप को देखो सवेरे में, दिन में कितनी बार भी आप कर सकते हो, बीच बीच में, और फिर अपने आप ही वो ज्यादा समय तक रहेगा फिर वो स्वरूप। तो आप फरिश्ता हो, संपूर्णता के समीप जा रहे हो, और बाबा के भी समीप हो, बाबा से मिलन मना रहे हो। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। आपने कुछ दिन पहले कहा था सभी का चेहरा मुस्कुराता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि चेहरा आपका मुरझाया हुआ हो। चेहरे से, आंखों से ही आपके एक अपनापन दिखाई दे। तो ये फरिश्तों वाला जो है अब स्वरूप, मुझे लगता है कि ये ब्रह्म कुमारी इसके लिए ही एक अलग यूनिक चीज है। अगर आप दूसरे रिलीजन्स भी देखते हैं, धर्म भी देखते हैं, वो फरिश्तों को अलग ही समझते हैं, स्थूल रूप में नहीं समझते हैं। और वो कभी नहीं कहते हैं कि आप फरिश्ता बन सकते हो। तो जब मैं सोच रही हूँ, आप हमें बता सकते हैं हिस्ट्री के रूप में कि बाबा ने हमें सफेद कपड़े पहनाए। अगर हम ऑरेंज कपड़े पहनते तो क्या हम फरिश्तों जैसे दिखते? तो बाबा को कब ये दृढ़ता आई कि सफेद पहने? मुझे नहीं लगता कि मम्मा ने ये सोचा, और बाबा ने ऐसा क्यों सोचा? मुझे लगता है कि सिंपल रहना, पवित्रता, और वाइट में भी लाइट रहती है। एक पिक्चर थी, मुझे रमेश भाई के द्वारा मिली थी, बाबा कराची हैदराबाद में होंगे। वो खड़े थे, चार बहनें एक तरफ, चार बहनें दूसरी तरफ, और वो सभी, मुझे नहीं पता उस ड्रेस को क्या कहते हैं, कुर्ता और पैजामा था, और वो उस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में भी आपको लाइट दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता वो फोटोग्राफी है या, लेकिन उनमें से जैसे कि एक लाइट चमक रही है। आत्मा तो लाइट और माइट है, और फिर पवित्रता है तो लाइट है। तो ये लाइट जो दिख रही है वो और वाइट लाइट है। आत्मिक स्थिति में शरीर को यूज करना, आत्मिक स्थिति में चलना, खड़े रहना, दिखाई देगी लाइट फरिश्तों जैसे।
तो वो हम देखते हैं। मुझे याद है जब मैंने पहली बार देखा दादियों को, उस समय वो 30-35 बरस की होंगी सभी, और वो मेरे दादाजी के घर पे आए थे। इतनी दिलचस्प बात हुई जब मैंने देखा, मैं उनके बहुत प्रभावित हो गई। मैं उनकी सत्यता को देख रही थी, ईमानदारी देख रही थी। उन्होंने साड़ी पहनी थी क्या? वो दो चीज पहनते, सिंधी में फ्रॉक पहनते हैं, and then there is like a big frill type skirt, so frock hai khere wala, wo pehante hain, aur pajama pehante hain. Of course when they are doing drill, they jab wo drill karte hain to wo black and white dikh raha tha, wo dadiyan hi thi. साड़ी उन्होंने तब पहनी जब वो सेवा के लिए निकले, नहीं तो यज्ञ में कोई भी साड़ी नहीं पहनता था। मम्मा भी कुर्ता पैजामा पहनते थे। ब्रिटिश भी फ्रॉक पहनते हैं, बट अलग तरीके का। ये सिंधी पहनते थे, लौकिक में भी पहनते हैं। तो मुझे लगता है कि वो शायद बहुत ही सहज था, साड़ी को धोना पहनना समय लगता है तो ये बहुत ही सहज था। तो ब्यूटीफुल अट्रैक्शन, पर्सनैलिटी में ही बहुत एक आकर्षण है और फरिश्ता स्वरूप है। वो लाइट था, वाइट था, अंदरूनी सुंदरता दिखती थी आत्मिक स्थिति में और बाबा के साथ। और उससे जो सुंदरता निखरती है वो जैसे कि फरिश्ता स्वरूप दिखती है। उनकी मुस्कुराहट लौकिक के जैसी नहीं है। अगर आप तुलना करेंगे आपको फर्क दिखाई देगा, क्योंकि ये मुस्कुराहट सिर्फ मुस्कुराहट नहीं है, वो एक गहराई के एहसास से आ रही है कि बाबा के स्नेह में, भाग्य में, भाग्य के लिए। तो आप जब मुस्कुराकर किसी को अभिनंदन करते हैं तो वो फर्क है जब हम लौकिक में करते हैं। मुझे लगता है कि ये हमारा बहुत ही यूनिक है, अलग है, क्योंकि डबल लाइट है, आत्मिक स्थिति में है और परमात्मा के लिए स्नेह है। ये आपके लिए फीलिंग्स लाती है, पर्सनैलिटी में आ जाता है। मैंने इतने पहलू देखे उसमें। अगर हम कभी कभी इंसान एक दूसरे से डरते हैं, इस ये इंसान मुझसे क्या चाहता है या क्या करेगा या क्या सोचेगा। बाबा के बच्चे ज्यादा करके ऐसा नहीं सोचते हैं। मुझे याद है किसी ने कहा कि जब वो पहली बार जब आए बाबा के घर में, उन्होंने किसी ने उनको आत्मिक स्वरूप में नहीं देखा था। लेकिन मैं सराहना करती हूँ इस पहलू की कि हिंदुइज्म में भी नहीं है कि फरिश्ता स्वरूप किसी को देखो या बनो। बाबा बहुत ही स्पष्ट थे और बाबा ने कहा कि आपको जो अंत में साक्षात्कार भी होंगे और वो सारे धर्म भी जो वापस आएंगे और यादगार बनाएंगे और परमात्मा के लिए जो प्यार और मूर्तियां बनाएंगे, मेरे लिए कि सभी आत्माओं का पिता, सारे धर्मों का भी वही पिता है। और जो सुंदरता उसमें से निखरती है, जैसे ही आप पीके बनते, चाहे आप परिवार में हो, वो अलग प्रकार की सुंदरता है। लोग सुंदर हैं अपने फीचर्स और कलर की वजह से, लेकिन जो अंदर की सुंदरता है, जो दिखती है, वो बहुत ही
अलग है, बाबा के हर एक बच्चे में वो सुंदरता है, जहां भी वो है, कैसे भी है वो, बट वो अंदर की सुंदरता है, चाहे वो पवित्रता हो, भाग्य हो, वो बहुत स्पष्टता से दिखता है। तो उसी उस वही हमको फरिश्ता बनाता है। कुछ लोग ब्राह्मण नहीं भी होंगे, लेकिन फीलिंग जो देते हैं तो पता चलता है कि वो ये तो ब्राह्मण ही था, उन्होंने बैच शायद नहीं पहना था। तो मुझे ये नहीं पता था कि कब साड़ी पहनना शुरू किया, आपने बताया, अच्छा किया आपका जो अनुभव था कि आप शुरुआत में नोट्स लेते थे, लिखते थे, बीच में कोई ऐसा समय था आपने नोट्स लेना बंद किया, आप स्टूडेंट कैसे थे? ब्रह्मा बाबा को नहीं पसंद था कि नोट्स लो, उन्हें पसंद था कि हमको देखो और मुरली सुनो। हमने कभी नोट्स नहीं लिए, लेकिन उसके बाद में हम नोट्स बनाते थे, कुछ नोट्स लिखते थे, लेकिन बाबा को पसंद था कि आप एक पल भी, आपका अटेंशन कहीं और नहीं जाना चाहिए, मेरे चेहरे पे, क्योंकि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैं नोट्स अगर ले रही हूँ तो मुझे नीचे देखना पड़ेगा। तो उनसे दृष्टि लेना और सुनना, यही फोकस बहुत पसंद था बाबा को। शिव बाबा बोल रहे हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो उन्हें देखते रहो। मुझे अभी भी याद है जब ब्रह्मा बाबा को हम सुनते थे, सामने बैठते थे, तो हमारे पास नोटबुक नहीं थी, लेकिन बाद में हम देखते थे, हम मनन चिंतन करते थे, शेयर करते थे, नोट्स लिखते थे। मुझे पसंद है नोट्स लिखना, सुनना जरूरी है लेकिन लिखना भी जरूरी है। जैसे अभी मैं ज्यादा नहीं लिखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं लिखती हूँ मुरली पॉइंट्स को। आप हिंदी में लिखते हो या इंग्लिश? मुरली अगर जैसे भी हो गया आप उसमें लिखेंगे, लेकिन आपके जो संकल्प है वो आप ज्यादातर कौन सी भाषा में लिखते हैं? अगर मैं हिंदी में मुरली सुन रही हूँ तो मैं हिंदी में लिखती हूँ, लेकिन अगर इंग्लिश में सुन रही हूँ तो मेरी जो सोच है दोनों में अच्छी है। जब मैं सवेरे उठती हूँ, जैसे मैंने बताया था कल, मैं श्रीमत के बारे में बहुत सोचती हूँ, श्रीमत आपकी विजडम बन जाती है। एक अच्छी चीज मैं देख रही हूँ, भूमि बहन मुझे मदद कर रही हैं इस पे, रूहानी लीडरशिप और अच्छी क्वालिटी लीडरशिप की जो भी चाहिए। हम कोई, मैं बोलती रहूँ और कोई लिखे कि सच्ची लीडरशिप क्या है, ट्रू लीडरशिप क्या है, जिसमें अच्छी विशेषताएं हो और पूरा राज संभालने का, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोई सोचे कि मैं इंचार्ज हूँ, मैं कंट्रोलिंग हूँ, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, हाँ ये टाइटल दिए गए हैं, मुझे ये नहीं पसंद है। मैं यही कहती हूँ कि हम सेवाधारी हैं, लेकिन बहुत अच्छे पॉइंट्स आ रहे थे कि स्नेह बहुत अच्छी ऊर्जा है प्रशासन के लिए। तो सवेरे में मैंने बहुत मनन चिंतन किया, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तो मैं वो पॉइंट्स लिख रही थी, शॉर्ट में लिखती हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ कि और उदाहरण मिलेंगे, तो मैं ढूंढ रही हूँ कि कौन ये लिखेगा। बहुत बहुत सारे खुश होंगे आपके साथ भी मनन चिंतन कर रहे, जो आपने कल कहा, इतने सवाल जो जो
पूछ रहे हो और जो आपने बताया कि श्रीमत विजडम बन गई है और बुद्धि को आप समर्पित करो और अपनी क्षमता कैसे बढ़ानी है, तो सबसे अच्छे में अच्छा गुण कौन सा है? शायद समय नहीं है, लेकिन क्या ये बुद्धि के ऊपर हम ध्यान दें? भावना और बुद्धि, मुझे नहीं पता कि कुछ लोग सोचेंगे कि कहां से हम बुद्धि में ढूंढें ये कि या ये आइडिया कि मैं कैसे करूं। मैं सुनना चाहूंगी आपसे, अगर आप लीडरशिप पे कर रहे हैं, अगर आप बुद्धि और स्नेह के ऊपर, प्रीत के ऊपर लेंगे, अगर स्नेह के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्योंकि लोग बुद्धि लेकर ही आएंगे, उनका प्रोफेशन जो हो गए, उन्होंने जो पढ़ाई की होगी, तो वो कैसे परिवर्तित होता है दिव्य बुद्धि में? किसी को पता भी नहीं होगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, उनको बहुत सारा स्नेह होगा, भावना होगी, तो कैसे उनकी भावना उनको मदद करेगी बहुत समझने में कि मेरी बुद्धि भी अच्छी है? पवित्रता और स्नेह हमसे सबसे बड़े, पवित्रता से ही स्नेह आती है और पवित्रता में अपनी ही शक्ति है। तो आप कैसे सोचते हैं? अगर वो पवित्र नहीं है या पवित्र है तो वो स्नेह है। मुझे लगता है कि स्नेह ही सब कुछ है। जब खाना बनाया जाता है, आप मधुबन जाते हैं, लोगों को पसंद आता है, कैसे बना रहे हैं, कैसा इतना टेस्टी बन रहा है, वो प्रेम है, भावना है जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। 3 बजे सवेरे उठते हैं सबके लिए चाय बनाने के लिए, तो शांतिवन सब जगह। क्यों लोगों को मधुबन पसंद आता है? और अनुभव हो रहा है क्योंकि सब कुछ वहां जो हो रहा है बहुत प्यार से हो रहा है, चाहे आप भोजन लेके जा रहे हो या ब्रेकफास्ट खा रहे हो, तो प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम में आप फ्राक दिल होते हैं, आप में रहम भावना होती है, भोजन भी जो होता है वो उसमें दृष्टि देते हैं, बाबा की याद होती है, और याद क्या करती है? याद आप में प्रेम जगाती है। समझो मैं खुश नहीं हूँ और मैं मुस्कुरा नहीं रही हूँ, वो बाबा की याद नहीं है। जैसे ही आप बाबा से कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारा स्नेह इमर्ज होता है, खुशी अनुभव होती है, मुस्कुराहट होती है, हल्कापन अनुभव होता है, ये बाबा की याद से आता है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हम सभी को, हम बाबा के पास आए सेंटर्स में, तो सभी ने दादी से तो नहीं मिले, लेकिन निमित आत्माओं के द्वारा ही अगर मिले हैं, जब वो निमित आत्मा स्नेह देती है तो उन्हें लगता है कि परमात्मा सिखा रहे हैं, परमात्मा मुझे मेरे साथ है। परमात्मा धर्मराज नहीं है, पिता है, माता पिता है। तो स्नेह से ही बहुत सारी विशेषताएं आएंगी, स्नेह से ही आप में धीरजता आती है, सहन शक्ति आती है, चाहे हम बुद्धि से करते हैं या कर्म योगा करते हैं, तो सब कुछ स्नेह से ही है। हमारा स्नेह अलग है, हमको एक दूसरे के साथ स्नेह है और लगाव भी नहीं है। मुझे ये अच्छा लगा जैसे आपने बताया भोजन और कैसे वो आपने बताया कि पवित्रता को ही महत्वता दी है, और पवित्रता एक्शन में जब होती है तो वो स्नेह है।
और उससे मदद मिलेगी हमको कि मेरे बुद्धि की क्षमता बढ़ती जाएगी. कभी बुद्धि के लिए कहेंगे तो कोई कहेगा तेज बुद्धि वाला है, कोई बोलेगा प्लानिंग वाला बुद्धि है, या कोई कहेगा कि गहरी बुद्धि है, या कोई कोई को कभी कभी कोई जैसे कि उनको लगता है कि मुझे सामना करना पड़ रहा है. तो बुद्धि और विवेक, आपको बड़ी बुद्धि वालों से जैसे कि लगता है कि धमकी लग रही है, लेकिन प्लेन बुद्धि वालों से नहीं लगता है, भावना वालों से नहीं लगता है. तो बुद्धि और विवेक, तो विस्टम जो है बहुत अच्छा है, बुद्धि सिर्फ बुद्धि अलग है. बहुत सारे लोग बुद्धिमान होते हैं लेकिन बुद्धि मता नहीं है. तो स्नेह उसमें नहीं है, इसलिए बुद्धि और विवेक जिसे कहते हैं, बुद्धि और भावना अच्छा है, और बुद्धि और विवेक. कैसे वो एक साथ काम कर सकते हैं. बहुत सारे लोग बुद्धि को यूज करते हैं कि मैं इसमें अच्छी हूँ, मैं उसमें अच्छी हूँ, लेकिन विवेक अलग चीज है. ये इंसान बहुत बुद्धिमता है, वाइज है, वो ऐसे नहीं कहते हैं कि हम सराहना करते हैं आपकी अच्छी बुद्धि की, हम सराहना करते हैं आपके विजडम की. मैं ये विवेक शब्द ज्यादा समझना चाहूंगी. मैं जानती हूँ कि किसी भाई का नाम है विवेक, विवेकानंद. उसका नाम विवेकानंद नहीं था, उसका नाम सिद्धार्थ था. Not Vivekananda, Buddha's name. Buddha का नाम सिद्धार्थ था. So he left home and he went. अपना घर छोड़ के गया, जंगल गया, और उसने तपस्या की. उसके बाद में जब आया, वो उसमें एक जागरूकता आ गई. तो बुद्धा की बुद्धि जागृत बुद्धि है, उसे कहते हैं विवेक. विवेकानंद, विवेकानंद का भी ओरिजिनल नाम नहीं है. वो साधु था, फिर उसने मैसेज दिया. जब वो शिकागो आए थे, पूछ रहे थे, वो किसी ने पूछा उनसे सवाल, जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां उनके पीछे पीछे भागी आती थी. उन्होंने लेक्चर रोक दिया बीच में ही और दरवाजे की तरफ गए, तो पूरा लोग उनके पीछे चल रहे. तो आप क्यों मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, जैसे गोपियां श्री कृष्ण के पीछे जाती थी. तो जब आप में जागरूकता आती है, जब आप किसी से मगन हो जाते हैं, you know, follow. So enlightenment, Vivek also means enlightenment. That means intellect has awakened to the reality and the truth. Intellect awakened. Intellect was there, but it got awakened. बुद्धि थी, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि जागृत हो गई है. So then intellect opens and तो बुद्धि खुल जाती है. You know, like, I don't know, recent, अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते. मैं किसी कहानी को सुन रही थी, बुद्धा की जो यात्रा थी, वो एक गांव से दूसरे गांव में गया, और कैसे कुछ लोग उनको पसंद नहीं करते थे, उन्हें जैसे कि गालियां दे रहे थे, और वो लोगों को चाहते थे कि वो
बदल जाएं, तो किस प्रकार से उनको जवाब देते हैं? हम ज्ञान के आधार पर लोगों को जवाब देते हैं। वो जवाब दे रहे थे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। बहुत सारी कहानियां हैं बुद्ध की, जब वो बुद्धिज्म का मैसेज दे रहे थे सबका। बुद्ध यानी कि जब आप एकदम ऊंची जागृत स्थिति तक पहुंचे तो उसे बुद्ध कहते हैं। मैं स्पेन जब गई थी, बुद्धिस्ट प्लेस, लिटिल बिट बुद्धिस्ट पहाड़ के ऊपर एक है जगह, हर एक कमरे में 20 लोग होते, कुछ लोग वो अपने उस परफेक्शन स्टेज पे पहुंचे हैं। बुद्ध मतलब के जागृति आ गई है। दिलचस्प है कि कैसे समझते हैं संपूर्णता क्या है। हर एक की समझ अपनी है। संपूर्णता ही यानी कि जागृति है। कोई आप में अज्ञानता नहीं है, कोई गहरी अंधेरा नहीं है, समझ में आ गया है। जब हम कहते हैं कि हमको एहसास हुआ है, जब बाबा अनुभव कराता है, तो जब ज्ञान समझता है तो वो सेल्फ रियलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि आप में जागृत आ गई। ये है कि अभी आप शुरुआत किया है। वेरी इंटरेस्टिंग पाथ, बहुत ही दिलचस्प यात्रा है ये। धन्यवाद आपका दीदी, आपके समय देने के लिए। बहुत अच्छी बातें हुई। ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति।